भरूच एलसीबी पुलिस द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालेबाजारी घोटाले में डॉक्टर सहित दो लोगों की गिरफ्तारी करते हुए 9 जितने रेमडेसिविर के इंजेक्शन का जत्था जब्त किया गया। भरूच शहर में कोरोना वायरस की परिस्थिति भी दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती वैसे दर्दी के लिए जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालेबाजारी प्रकाश में आते हुए पुलिस विभाग भी एक्शन में आया है, जहां भरूच लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा अंकलेश्वर के जॉगर्स पार्क विस्तार में छापेमारी करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालेबाजारी करते वैसे 3 लोगों पर गुनाह दर्ज करने के साथ 2 शख्स की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें गैरकानूनी रूप से इंजेक्शन का कोरोना पॉजिटिव दर्दी के परिवार को ऊंचे दाम से बेचकर कालेबाजारी की जाती थी, जहां पुलिस ने अपराधी वैसा राघवेंद्र सिंह, मलखान सिंह तथा अन्य रुष्कंग मुकेश बाबूलाल शाह की गिरफ्तारी करते हुए उनके पास से 1 कार, मोबाइल फोन, 9 जितने रेमडेसिविर के इंजेक्शन सहित 7,15,596 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया है। तो वहीं ये कालेबाजारी की घटना में नेत्रंग स्थित रहता वैसा सिद्धार्थ मेहड़ा नामक शख्स को भी, जो एक डॉक्टर होते हुए उसे वांटेड घोषित करते हुए पुलिस ने सघन कार्यवाही का दौर जारी किया था।